हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की सुपुत्री संगमित्रा मौर्य, जो बीजेपी से सांसद भी हैं, बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। मैम, लगातार कैंपेनिंग चल रहा है, आपने बताया कि आप खुद कैंपेनिंग में भी जा रही हैं। अगर हम अभी की बाबी के माहौल की बात करें तो क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी सरकार बना सकती है? देखिए, सरकार कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा इसकी निर्णायक जनता होती है। राजनीति एक ऐसी परीक्षा है, यदि हम कह लें कि हर परीक्षाओं में हम खुद पढ़ते हैं, खुद पेपर देते हैं और खुद अनुमान लगाते हैं कि हम कितने मार्क्स ले आ पाएंगे, लेकिन राजनीति में मेहनत हम करते हैं, क्षेत्र में हम जाते हैं, लेकिन निर्णायक हम कितने अंक पा रहे हैं उसका निर्णय जनता देती है। तो निश्चित तौर पर जनता निर्णायक है, जनता जिसको वोट करेगी सरकार उसकी बनेगी। आप प्रचार कर रही हैं, जहां आप लोगों के बीच जा रही हैं, क्या वहां पर बीजेपी के समर्थन में लोग बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने पिछले पांच साल में बहुत अच्छा काम किया। निश्चित तौर पर मैं अपनी लोकसभा में अभी होकर के आई हूँ, चार विधानसभाओं में, और चारों विधानसभा में सकारात्मक रिस्पॉन्स हमें मिला है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी है और उनके सांसद के प्रति भी है। मैम, एक सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में चले गए, क्या आप भी आगे सोचेंगे समाजवादी पार्टी में जाने का? फिलहाल तो नहीं, और वैसे भी राजनीति विचारधाराओं पर चलने वाली है, और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ाने का, उनको हक और अधिकार को देने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक प्रदेश सरकार में जहां भी जिस भी तरह से हमारे अधिकारों का हनन हुआ है वो प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंच गया है, और निश्चित तौर पर उसमें हमें सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा। लेकिन मैम, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं मानते, वो मानते कि दलितों का, पिछड़ों का जो है उत्पीड़न हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या आप भी ऐसा मानते? कि प्रदेश और देश दोनों की राजनीति में अंतर होता है, और उन्होंने प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने जो देखा है वो बयां किया है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों का वर्णन कर रही हूँ कि उनके कानों तक जो चीज़ें पहुँची हैं उसमें सकारात्मक निर्णय हुआ है, तो निश्चित तौर पर पिताजी ने जो बात उठाई है वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में उस पर सकारात्मक निर्णय होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैम ये है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार बीजेपी की जाएगी, आप सांसद है बीजेपी की, एज अ बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप देखती हैं कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार प्रदेश में? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, लेकिन भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते, भाजपा की सांसद होने के नाते, और अपनी लोकसभा में लोगों के रिस्पांस को देख करके मैं कह सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। आप पटना में जाएंगे चुनाव के प्रचार के लिए? मैं बड़ी स्पष्टवादी टाइप की हूं, और मैंने डे वन से ही इस चीज को बोल रखा है, और लास्ट तक मैं उस पर स्टैंड रहूंगी कि परिवार अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, परिवार में राजनीति मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता के साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और हमारी विचारधारा पिताजी से बिल्कुल अलग नहीं है। जिस विचारधारा को लेकर के वो प्रदेश में लड़ रहे हैं उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करूंगी, पिताजी के अगेंस्ट चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगी। एक प्रश्न मैं लूंगा मैम, दलितों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, आप ये बात मानती हैं कि जो स्टैंड स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है और जो प्रधानमंत्री जी का है, क्या इनमें डिफरेंस है? और जिस तरह की बातें उन्होंने कही चुनाव प्रचार के दौरान भी और इस्तीफा देने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी साफ हो जाएगी पूरी तरह से प्रदेश में, इस पे आपकी क्या राय है? हमने पहले भी कहा कि वो प्रदेश सरकार का हिस्सा थे, और प्रदेश सरकार में जो हुआ उन्होंने उसका वर्णन किया। दलितों की बात प्रधानमंत्री जी सुन, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की कहीं पर भी कोई कमी नहीं बताई है, अर्थात प्रधानमंत्री जी के कार्यों से उन्हें भी कोई परेशानी नहीं है। उन्हें प्रदेश सरकार में जो दिक्कतें हुई उन्होंने उस चीज को उजागर किया है और प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर दलितों पिछड़ों के साथ जो उनके हक अधिकार का हनन हुआ है वो उनको अधिकार मिलने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवश्य होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।
बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलितों पिछड़ों के समर्थन में कार्य जरूर होगा ऐसा मानती हैं संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की सुपुत्री हैं। विवेक के साथ मैं पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।